ट्रेलर्स मेरे शुरू हो गए हैं, होर्डिंग्स लगने शुरू हो गए हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आई एम ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल. बहुत अच्छा लगता है, लोगों ने ट्रेलर को बहुत पसंद किया है, तो बहुत अच्छी बात मुझे ऐसी लगी कि मेरी जो फिल्म है फोर पिलर्स ऑफ बेसमेंट, उस फिल्म में हमने जो कोशिश की है जैसे वुमेन सेफ्टी के बारे में, इट्स अ वुमेन ओरिएंटेड मूवी, और फिल्म में किस तरह लड़की को हम जो कई लोग हैं जो देयर आर फोर पिलर्स ऑफ द सेंटर ही सबसे पहले तो सर ट्रेलर सबको काफी पसंद आया, क्या कहना चाहेंगे ट्रेलर के बारे में? ट्रेलर हमारे बहुत ही खूबसूरत सा, काफी लोगों जैसे आपको पसंद आया वैसे काफी लोगों ने फोन किया हमको, प्रशंसा दी कि वाह क्या बात है, ट्रेलर्स बहुत अच्छे हैं, गाने हमारे टॉप 10 में चल रहे हैं, तो बहुत खुश होते हैं. मतलब हम लोग जो हम जैसे जो आर्टिस्ट है जो आगे आ रहे हैं और इतने अच्छे रोल में मैं प्रमोट हो रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि यार स्काई इज द लिमिट और हम लोग हवा में अभी वी आर रियली फ्लाइंग, एंड हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है, हमारा डायरेक्टर साहब ने हमारे साथ जो मेहनत की है वो रंग ला रही है. फिल्म के बारे में थोड़ा कुछ बताइए ऑडियंस. फिल्म फोर पिलर्स ऑफ बेसमेंट जो है ना, वो फोर पिलर्स ऑफ बेसमेंट इज अ फिल्म जिसमें चार पिलर्स है जो लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं, लड़की को फंसाने की कोशिश करते हैं, जो चार मेन सेंट्रल कैरेक्टर है उनके ऊपर ये फिल्म है. और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा रोल है जिस क्योंकि मैं सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर का रोल प्ले कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं डबल रोल भी प्ले कर रहा हूँ. और एक जो इंसान जो पागलखाने से भागा हुआ जो इंसान है उस किस्म का रोल मैं प्ले कर रहा हूँ. तो पब्लिक को पता नहीं चल रहा है कि क्या है, आउट एंड आउट सस्पेंस मूवी है, आउट एंड आउट थ्रिलर फिल्म है. लोगों को बहुत मजा आएगा कि बॉस कहाँ तक फिल्म की एंड के दो मिनट तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कौन इसमें मेन विलन है, कौन क्या कर रहा है. ओनली थिंग इज कि फिल्म में एक चीज बहुत ही खूबसूरत है, इट्स अ रोमांटिक साइको सस्पेंस थ्रिलर मूवी. अगर इंसान किसी से प्यार करता है तो किस लेवल तक का प्यार करता है वो फिल्म में दिखाने की कोशिश की है, अगर इंसान किसी को डराता है तो किस लेवल तक का डराता है वो इस फिल्म में है, और अगर इंसान किसी के ऊपर खफा होता है तो किस लेवल तक खफा हो सकता है वो हमारी फिल्म फोर पिलर्स ऑफ बेसमेंट में दिखाने की कोशिश की है. काफी खूबसूरत गाने हैं, काफी एंटरटेनिंग फिल्म है. फिल्म का ग्राफ एक बहुत ही नॉर्मल लेवल से शुरू होकर एक ऐसे पीच तक जाता है जहां पे लोग एकदम थ्रिल हो जाते हैं, बैठे रहेंगे, पता नहीं चलेगा कि अब क्या होगा, लेकिन जब जो होगा सस्पेंस खुलेगा वो आउट एंड आउट डिफरेंट होगा. काफी अलग कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास कैसे आया और कैसे आपने एक्सेप्ट किया इस कॉन्सेप्ट? हमारी फिल्म में जो स्टोरी लिखी है वो हमारे यूएसए बेस्ड राइटर है जिसका नाम है राजन सफरी लखनवी. लखनवी इसलिए वो ऐड करते हैं क्योंकि वो एक्चुअली लखनऊ से है लेकिन अभी राइट नाउ यूएसए में है. उन्होंने एक कॉन्सेप्ट मेरे को 2 साल पहले दिया था और वो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया था. अगर कोई एक्टर को ऐसा कॉन्सेप्ट प्ले करने को मिलता है तो वो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, बहुत ही अच्छी, क्योंकि एक ही इंसान को डबल रोल प्ले करने को मिलता है, एक ही इंसान 90% ऑफ द सीन उसके शोल्डर पे लेके चल रहे हैं हम लोग, तो वो एक बहुत ही अच्छा लगता है. और ये स्टोरी के साथ मैं कई जगह पे घुमा था, ये स्टोरी को लेके मैं इतने लोगों को पूछा था, सबने पसंद की थी इस स्टोरी को. बस शुरुआत जो करता है ना वही जीतता है, वो शुरुआत की हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, गौतम बाफना साहब ने, प्रवीण चुड़ासभा साहब ने, कि जो उनको पसंद आई और उन्होंने एटवंस डिसीजन लिया कि हाँ इस बच्चे को शुरू करना है, और हमने शुरू की और टचवुड एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आया है, आपको पसंद आएगा. जी फिल्म जब से ट्रेलर आउट हुआ है उसके बाद से जो है रिलीज डेट के इसमें काफ़ी चेंजेस किए जा रहे हैं, जैसे पहले 30 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी अब 6 नवंबर को रिलीज, तो उसके पीछे क्या रीज़न? सर हम तो अपकमिंग एक्टर्स हैं, अपकमिंग प्रोड्यूसर्स लोग हैं, आपको पता है कि हमेशा इंडस्ट्री में घुसने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें करनी पड़ती है और काफ़ी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ भी करनी पड़ती है, क्योंकि बड़े एक्टर्स, बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े डायरेक्टर्स लोगों को जब कोई नया बंदा इंट्रोड्यूस होता है, नया प्रोड्यूसर इंट्रोड्यूस होता है, तो काफ़ी तकलीफें झेलनी पड़ती है. इसी वजह से थोड़ी बहुत डेट्स में चेंजेस आते हैं. हम तो कोई बड़े एक्टर के बेटे नहीं है, हम कोई बड़े एक्टर डायरेक्टर के बेटे नहीं है, जो आराम से चांस मिल जाता है उनके लिए हर चीज़ रेडी होती है, एवरीथिंग इज सेट प्लान्ड होता है, लेकिन हमें हमारे प्लान इसलिए चेंज करने पड़ते हैं, काफ़ी चीज़ें हमें देखकर इंडस्ट्री में आना पड़ता है, और वही चीज़ हमारे प्रोड्यूसर ने की, हमारे डायरेक्टर ने की, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने की, प्रॉपर जगह देखकर हम लोगों ने वहाँ पे स्ट्राइक किया है,
और वो स्ट्राइक हमेशा फ्रूटफुल होगा ऐसा हमें लगता है। जी अगर फिल्म के गाने की बात करें तो गाने लोगों को पसंद आ रहे, खास करके जो ब्रूना अब्दुल्ला के साथ है वो गाना सबको काफी पसंद आ रहा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ब्रूना अब्दुल्ला अपने आप में एक स्टार है और उसने हमारे साथ बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री जमाई और हम लोगों ने उनके साथ जो गाना किया तू है गजब सोनी है। कुड़िए जी तेरे जैसी कोई न मैंने देखी, तू है गजब सोनी है, अब तू बन जाए मेरी रहना पाऊंगा गोरी, तू है गजब सोनी है। फोर पिलर्स ऑफ बेसमेंट, फोर पिलर्स ऑफ बेसमेंट, ये प्रमोशनल सॉन्ग मैंने ब्रूना जी के साथ किया है। ब्रूना जी हालांकि फिल्म में नहीं है, हमारी एक्ट्रेस आलिया सिंह है इस फिल्म में, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत काम किया हुआ है। ब्रूना ने ये सिर्फ प्रमोशनल सॉन्ग किया और उसमें उसने अपनी जान लड़ा दी है, बहुत अच्छी बात है, थैंक्स टू ब्रूना। ये गाना काफी हमारा फेमस हुआ है, टॉप 10 में चल रहा है और ये गाना बहुत ही खूबसूरत तरीके से शूट किया गया है, डिस्को में सारे डिस्को थैंक में ये गाना चलेगा, लोगों को मजा आएगा ये गाना देखकर। और गाना बहुत ही खूबसूरत है, आप लोग प्रोमो में देख रहे होंगे, गाना बहुत ही अच्छा चल रहा है, थैंक्स अ मिलियन। जी आलिया सिंह की बात करें तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था, वो फिल्म से डेब्यू करने वाले हैं तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था और कैसे सिलेक्ट हुए वो? आलिया सिंह का जो सिलेक्शन है वो आउट एंड आउट, जब हम कहते हैं ना कि नसीब इंसान को एक अलग लेवल तक पहुंचाता है, वैसे हमारी फिल्म में कोई और एक्ट्रेसेस थी, एक वक्त था जहाँ पे हमको कल शूट करना था और हमारे पास एक्ट्रेसेस इतनी नहीं थी बिकॉज हमारी एक्ट्रेसेस के साथ कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से वो फिल्म में काम नहीं कर पाई। तो डेस्टिनी जब हम कहते हैं ना, डेस्टिनी एक ऐसी चीज है, तो वो चीज आलिया सिंह के लिए प्रॉपर एग्जाम्पल है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो लड़की इतनी लकी है, उसी की वजह से सब कुछ इजीली हो रहा है और जिस तरह वो फिल्म में एंट्री की वो आप जब उनसे पूछेंगे आपको बहुत मजा आएगा। इट इज आउट एंड आउट डेस्टिनी। फिल्म के शुरू होने से एक रात पहले हमने ये लड़की को सिलेक्ट किया एक छोटे से ऑडिशन के साथ और वो चीज प्रूव हुई। हमने काफी बार कोशिश की है कि ब्रूना अब्दुल्ला के साथ हमारे प्रमोशंस चल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन वो लड़की का नसीब इतना पावरफुल है, आज हर प्रमोशन में वो भी एंट्री कर रही है, अच्छी तरह कर रही है, इतनी अच्छी तरह वो ग्रूम हो गई है और जिस तरह उसने एक्टिंग की है वो काबिले तारीफ है। मुझे ऐसा था यार नई लड़की को ले तो लिया लेकिन क्या एक्टिंग करेगी, लेकिन फिल्म में टचवुड बहुत ही अच्छा काम किया है वो। मैं सिर्फ हमेशा उसको क्रिटिसाइज इसलिए करता रहता था कि आपको, आपने एक कहावत सुनी होगी कि बाप अपने बेटे को कभी नहीं कहता ये अच्छी चीज है, तूने बहुत अच्छा किया है। तो मेरी ये कोशिश थी कि उसको मैंने कभी जिंदगी में नहीं बताया कि तूने ये बहुत ही अच्छा किया, पूरी फिल्म के दौरान मैंने नहीं बताया, क्योंकि अगर उसको हर बार मैंने यही बताया कि आप उससे भी अच्छा कर सकती है और उसने वो किया और आज टचवुड आपके सामने रिजल्ट है। उसको मैंने बहुत डराया और पूरी फिल्म में डर रही है, भाग रही है और अच्छी तरह भाग रही है और डर रही है। अच्छा जाते आते ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? ऑडियंस से मैं यही कहूंगा कि सर प्लीज जाके इस फिल्म को देखिए, इसमें काफी हमने सीख दी है लड़कियों के बारे में, स्पेशली किस तरह आपको बचना चाहिए, किस तरह आपको ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, क्या प्रोटेक्शन रखना चाहिए अपने साथ, और सबसे मेन चीज है कि हम सब लोगों ने इतनी मेहनत करके इस फिल्म को बनाया है, आप लोगों को गारंटी है कि एक बार अंदर जाओगे तो आप लोगों को फिल्म बहुत पसंद आएगी। प्लीज गो एंड वॉच आवर फिल्म फोर पिलर्स ऑफ बेसमेंट जो 6 तारीख को आ रही है। आई एम श्योर यू विल लव इट, यू विल नॉट रिग्रेट इट लाइक यू हैव रिग्रेटेड मेनी अदर फिल्म्स। थैंक यू वेरी मच, लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स अमित, थैंक्स अमित।